सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर वीडियो। एंड गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि गाइज अगर आप अपने फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस को हाइड करने के लिए, छिपाने के लिए अगर आप किसी कैलकुलेटर ऐप का इस्तेमाल करते हो, जैसा कि हम प्ले स्टोर ऐप के अंदर अगर चलें और यहाँ पर जो है गाइज अगर हम कैलकुलेटर इस तरीके से अगर सर्च करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के बहुत सारे जो है कैलकुलेटर ऐप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड करने में काम आते हैं। गाइज अगर आपने भी जो है कुछ इस तरीके के ऐप्स को अगर जो है डाउनलोड किया था, उसके अंदर अगर आपने फ़ोटोज़ जो है हाइड किए थे और फ़ोटोज़ हाइड करने के बाद कुछ समय उस ऐप को इस्तेमाल करने के बाद में अगर आप उस ऐप का अगर पासवर्ड भूल गए हो तो आप उस पासवर्ड को जो है गाइस कैसे पता कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। प्ले स्टोर में अलग अलग तरीके के बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा कोई भी गाइस कैलकुलेटर क्यों ना हो सभी में वो तरीका काम में आएगा जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस जैसा कि ये मेरा फोटो हाइड करने वाला एक कैलकुलेटर है और इसका पासवर्ड जो है मैं भूल गया हूं, तो इसका पासवर्ड आप किस तरीके से पता लगा सकते हो इसका मैं आपको दो तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं। और गाइस मैं इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि बिल्कुल भी आगे आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करिएगा। तो गाइस अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो गाइस जब आप अपने कैलकुलेटर को इस तरीके से ओपन करोगे तो सिंपल तरीके से कि हम पासवर्ड तो गाइस भूल चुके हैं, पासवर्ड हम भूल चुके हैं और ये ओपन नहीं हो रहा है, तो सिंपल तरीके से हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें लिखना है 1122334 इस तरीके से लिखना है, इज इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर जो है आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहां पर जो है अब आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहां पर आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको फिल करना है। जब आप ऐप में अकाउंट बना रहे थे उस वक्त जो है आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ होगा, तो आपने उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर भी आपने जरूर फिल किया होगा, तो वही सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको सिंपल तरीके से फिल कर लेना है। इस तरीके से गाइस आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर फिल करना है और उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। डन वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा हुआ है योर पासवर्ड इज 1122, यानी गाइस जो भी पासवर्ड आपका होगा वो पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मुझे बता रहा था वहाँ पे कि 1122 मेरा पासवर्ड है, तो मैं 1122 इस तरीके से करता हूँ, इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर जो है मैं क्लिक करूंगा और गाइस ये जो मेरा ऐप है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये हो गया पहला तरीका, पहले तरीके की वजह से जो है आप अपना जो ऐप है वो ऐप इस तरीके से आप ओपन कर पाओगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा तरीका। गाइस दूसरा जो तरीका है उसमें 100% जो है आपका ऐप ओपन हो जाएगा और गाइस मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐप के ऊपर सबसे पहले आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जी हाँ गाइस, जो भी आपका ऐप होगा जिसका पासवर्ड आप भूल गए हो कैलकुलेटर का, आपको उस ऐप के ऊपर जो है इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ऐप इन्फो वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करना है। ऐप इन्फो वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करना है और उसके बाद आपको नीचे के साइड में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज यूजेज, आपको स्टोरेज यूजेज वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको क्लियर डाटा वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। इस तरीके से गाइस आपको क्लियर डाटा कर लेने के बाद आपको पीछे साइड में आ जाना है। गाइस क्लियर डाटा करने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर क्लियर डाटा आप कर देते हो तो जितने भी फोटोज़ आपके जितने भी फोटोज़ होंगे जितने भी वीडियोज़ होंगे वो फोटोज़ और वीडियोज़ अगर आपने ऑलरेडी हाइड करके रखा हुआ है तो वो भी डिलीट हो जाएंगे। गाइस क्लियर डाटा अगर आप करोगे तो आपको ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखनी है कि फोटोज़ और वीडियोज़ आपने ऑलरेडी उसमें छिपाए हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे, और अगर आपने फोटोज़ वीडियोज़ नहीं छिपाए हैं तब अच्छी बात है और उसके बाद वापस यानी कि दोबारा से आपको इस ऐप के अंदर आना है। इस ऐप के अंदर दोबारा से आने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, डन वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू पासवर्ड वापस से जो है आपको सेलेक्ट करना है। न्यू पासवर्ड इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करना है, वापस से जो है आपको वही पासवर्ड दोबारा से री इंटर कर लेना है और वापस से आपसे यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, वापस आप जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आप फिल कर लेना, नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना। इस बार जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वो आप याद रख लेना ताकि बाद में अगर आप वापस भूल जाओ पासवर्ड तो आपको रिकवर करने में आसानी हो। उसके बाद आई गॉट इट वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर लेना। इस तरीके से आप इतना कर लोगे तो इतना करने के बाद जो आपका कैलकुलेटर ऐप होगा उसका पासवर्ड जो है गाइस आप चेंज कर पाओगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप ये कर सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी। गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।